नमस्कार, आज हमारे साथ है संजीव राणा जी। और आज राणा जी एक मुहिम से जुड़े हुए हैं जिसका नाम है एक पेड़ शहीदों के नाम। इसको ये एक तरह से चलाना चाहते हैं पूरे देश में। और मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि संजीव राणा जी, ये जो मुहिम है इससे आप जन जन को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले कारगिल के जैसे 20 साल अब पूरे हो रहे हैं, उसके अनिवर्सरी मनाई जा रही है जी। तो कारगिल में जितने नौजवान शहीद हुए हैं उन सभी नौजवानों के नाम से एक पेड़ ऐसे इस तरीके से हम लगाने जा रहे हैं जी। यानी हमने कोई जितने जवान हुए उन सभी शहीदों के नाम से लगाने हैं, लेकिन एक संस्थान को एक या दो पेड़ ही हमने देने हैं। यानी हमने 40-50 पेड़ नहीं लगाने एक संस्थान में। हमने अगर आज ये पेड़ कैप्टन मनोज कुमार पांडे जो कारगिल में शहीद हुए थे जी, तो उनके नाम से आज पहला जो पेड़ है इस संस्थान में लगाया है। इस पेड़ को लगाने के लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया है जो हर 2 महीने के बाद में इस पेड़ की जो फोटोग्राफ है वो जो ऐप है हमारी उसमें वो अपलोड किया करेंगे। जितने हमने पेड़ लगाए हैं, जितने नौजवान शहीद हुए हैं, हम सभी नौजवानों के नाम से एक एक संस्थान को, एक जैसे सोसाइटी है या कॉलेज है, स्कूल है, उनको एक दो पेड़ ही हम इसमें देने वाले हैं जी। हमारा है कि जितने जवान शहीद हुए हैं वो जैसे ये हमारा पेड़ है, 2 महीने के बाद में पता लगेगा कि पेड़ की हाइट बड़ी हो गई है। ऐसे ऐसे जो आज स्कूल में जैसे बच्चों ने पूरा बैंड बाजे के साथ में इसको श्रद्धांजलि देकर इस स्थान पर लेकर आए हैं इस पेड़ को जी। तो हमारा मोटिव यही है कि देश के जिन नौजवानों ने हमारी शहादत दी है उनको कम से कम आने वाली पीढ़ी को इस पेड़ के माध्यम से पता लग पाए कि हमारे नौजवानों ने जो शहादत दी थी वो हम सब लोगों के लिए दी थी। तो संजीव जी, आप इस मुहिम को चंडीगढ़ के साथ साथ किन किन राज्यों में या किन किन और जगह आप कुछ चिन्हित किया है आपने? पहला जो है ये हमारा अभी आज हमने जैसे चंडीगढ़ से इसको अभियान को शुरू किया है जी। हमने जो अभी शुरुआत में लिए हैं वो है पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, ये स्थान हमने अभी तय कर लिए हैं। इन इन स्थानों पर होने वाला है कार्यक्रम। इस अभियान में जो जैसे एक इंट शहीद के नाम, एक पेड़ शहीद के नाम, एक इंट शहीद के नाम, एक इंट शहीद के नाम एक अभियान है, उसी के अंतर्गत ये कार्य जो है उसी के अंतर्गत हो रहा है। ये भी जैसे अलग अलग हमने सब डिवाइड किए हुए हैं, जैसे प्रोफेसर हैं, कॉलेज से जो टीचर हैं वो सब लोग इस मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा यही मकसद है कि समाज के जो अच्छे श्रेणी के लोग हैं वो कम से कम इस कार्य के लिए जुड़ें जी, और जुड़ के आगे मैसेज दें। इन्वायरमेंट में आज की डेट में जैसे पानी खत्म होता जा रहा है जी, उसी कड़ी में हम कहीं ऐसे काम करने वाले हैं, जो भी करेंगे वो शहीदों के नाम से करेंगे जी। जैसा कि आपने देखा कि संजीव राणा हमारे साथ थे, उन्होंने बताया कि एक पेड़ शहीदों के नाम ये कड़ी यहाँ से शुरुआत होकर देश के हर उन भागों में जाएगी, जो कि कैप्टन मनोज पांडे जी के ऊपर ये नीम का पेड़ लगाया गया है। चितकारा स्कूल में यहाँ पे यहाँ के प्रिंसिपल और यहाँ के वन अधिकारी द्वारा ये पेड़ लगाया गया है। तो ये एक मुहिम है जो राष्ट्र में पूरे यहाँ से शुरुआत होकर, चंडीगढ़ से शुरुआत होकर पूरे जन जन में, हर जिलों में, हर राज्यों में फैलेगी। और ये मुहिम ये बताती है कि जो हमारे शहीद जो आज जिनको नकार दिया गया है, जिनको जनता पहचानती नहीं है, उनको इस पेड़ के द्वारा ये बताया जाएगा कि जो हमारे शहीद बॉर्डर पे लड़ते हैं वो इस पेड़ के माध्यम से हमें किस तरह छाया देते हैं, और जो बॉर्डर पे छाया देते हैं वो यहाँ भी इस तरह छाया देंगे हमें। मैं मुकेश उपाध्याय, द इंडिया, चंडीगढ़।